हे हेलो एवरीवन, दोस्तों कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। सीबीएसई क्लास 10 क्लास 12 के प्राइवेट कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट वाले छात्रों लगातार मैसेज आ रहे हैं, लगातार कमेंट्स आ रहे हैं और अधिकतर छात्र छात्राओं का एक ही सवाल है कि सर, यदि इस इम्प्रूवमेंट एग्जाम में अगर हम किसी सब्जेक्ट में हमारे कम नंबर आते हैं या हम किसी सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आ जाते हैं या हम किसी दो सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, क्या जो हमारा पिछला रिजल्ट है जो अगस्त और जुलाई में जारी किया गया था उस रिजल्ट को मान्यता प्राप्त हो जाएगी, क्या हमारे वो रिजल्ट फाइनल माने जाएंगे यदि इस रिजल्ट में जो 30 सितंबर को आने वाला है इसमें हमारे कम नंबर आते हैं। तो दोस्तों मैं आपको 100% और पूरे क्लियरिटी के साथ बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आप सभी को बताया कि सीबीएसई ने जो नोटिफिकेशन जारी किया था एग्जाम को लेकर, एग्जाम को लेकर, इम्प्रूवमेंट एग्जाम को लेकर, कंपार्टमेंट एग्जाम को लेकर, जो भी कह लीजिए आप इसको, उस एग्जाम को लेकर जो सीबीएसई ने नोटिफिकेशन जारी किया था उस नोटिफिकेशन में साफ क्लियर मेंशन था कि ये जो एग्जाम हो रहा है ये ऑप्शनल एग्जाम है और ये इस एग्जाम में अगर आप अपीयर हो रहे हैं, यानी क्यों अपीयर हो रहे, क्योंकि आप सीबीएसई की टर्मिनेशन पॉलिसी और सीबीएसई ने जिस क्राइटेरिया के आधार बच्चों के नंबर प्रदान किए उस क्राइटेरिया से आप खुश नहीं है, इस वजह से आपका जो है री एग्जाम, कंपार्टमेंट एग्जाम, इम्प्रूवमेंट एग्जाम लिया जा रहा है। तो यदि इस इम्प्रूवमेंट एग्जाम में आपके अच्छे नंबर आते हैं, कम नंबर आते हैं या किसी सब्जेक्ट में आप कंपार्टमेंट आ जाते हैं या फेल हो जाते हैं तो यही जो रिजल्ट है आपको फाइनल कंसीडर किया जाएगा। सीबीएसई की नोटिफिकेशन में साफ साफ मेंशन है दोस्तों, आप सब देख सकते हैं, यहाँ पर कोई लिपापोते नहीं। मैं आपको क्लियर सटीक बताना चाहता हूँ जो सीबीएसई ने कहा है, ठीक है। ये तो यानी सीबीएसई ने इस बार के जो इम्प्रूवमेंट एग्जाम है उसमें साफ साफ क्लियर किया था कि जो छात्र इस बार इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे रहे हैं, जो सीबीएसई का रिजल्ट आया हुआ था 2021 अगस्त और सितंबर में, ठीक है, सॉरी जुलाई और अगस्त में, तो उसमें उस रिजल्ट से अगर आप ना खुश हैं तो ही आप प्री एग्जाम में कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट दे रहे हैं। तो अगर आप इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट और जो है री एग्जाम दे तो इस री एग्जाम में, इम्प्रूवमेंट एग्जाम में जो भी आपके फाइनल मार्क्स आएंगे वही कंसीडर किया जाएगा एज ए फाइनल मार्क्स जो आपके मार्कशीट में शामिल किए जाएंगे, ठीक है। अब रही बात दोस्तों रूल्स की, पहले क्या होता था, रूल्स अगर बात करें अधिकतर स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड भी यही करती थी, अगर जो भी छात्र जो छात्राएं हैं अगर इम्प्रूवमेंट एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं, मान लेते हैं कि कोई छात्र छात्रा जो है 2020 में रिजल्ट आया था उसका 2021 में उसने इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई किया था, ऐसे स्थिति में क्या होता था कि अगर 2020 का जो रिजल्ट उसमें कम नंबर है और 2021 जो इम्प्रूवमेंट एग्जाम दिया गया है उसमें ज़्यादा नंबर आते थे तो ज़्यादा यानी मैक्सिमम मार्क्स को ज़्यादा महत्व दिया जाता था, मैक्सिमम मार्क्स को उसमें शामिल कर लिया जाता था, मिनिमम मार्क्स वहाँ से निकाल दिया जाता था। तो ये अभी तक का रूल होता था हर बोर्ड का, सीबीएसई बोर्ड का भी, बट इस बार सीबीएसई ने दोस्तों जो क्राइटेरिया पूरी तरह चेंज कर दिया था, उसने कहा था कि ये जो इम्प्रूवमेंट आप एग्ज़ाम दे रहे हैं वो फाइनल माने जाएंगे, ठीक है। तो इसके अलावा कुछ छात्रों का ये भी सवाल है कि सर हम तो 2020 में हमने इम्प्रूवमेंट एग्जाम, हमारा तो रिजल्ट 2020 में आया था, हमने पेपर दिया था तो हमने तो 2021 के लिए इम्प्रूवमेंट एग्जाम भरा था जो कि एज ए प्राइवेट कैंडिडेट हमने भरा था। तो ऐसी स्थिति में उन छात्रों का दोस्तों यह है कि आपके जो पहले वाले मार्क्स थे अगर उससे ज़्यादा नंबर आते हैं तो आपको शामिल उसमें ऐड कर लिए जाएंगे, अगर पहले वाले मार्क्स से कम नंबर आते हैं तो, ठीक है, पहले वाले मार्क्स से कम नंबर आते हैं तो पहले वाला मार्क्स रहेगा, पहले वाले मार्क्स से ज़्यादा नंबर आते हैं तो आपका ये वाला नंबर उसमें शामिल कर लिया जाएगा, ठीक है। ये है रही बात कंपार्टमेंट वाले बच्चों की कि अगर हम किसी भी सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आ जाते हैं तो आपके पास कंपार्टमेंट का दोस्तों चांस रहेगा, तीन चांस होते हैं कंपार्टमेंट का, आप तीन चांस दे सकते हो। ये दोस्तों जो है पूरे 100% क्लियर मैं बता रहा हूँ आपको, कोई भी कार्ड छाट नहीं, किसी प्रकार बनावटी ना ही कोई, मैं कोई थंबनेल यूज करता हूँ कि आप मेरे स्क्रीन पर आके क्लिक कीजिए। दोस्तों मैं अब मेरे आप सभी वीडियो देख लीजिए, मैंने कभी भी ऐसा थंबनेल नहीं लगाया जो आपको आकर्षित करे कि आप आइए तो क्लिक कीजिए, जो सच्चाई होती वही मैं उसमें लगाता हूँ और कोई भी कार्ड छाट उसमें नहीं करता भड़काऊ कि भाई आप जरूर कीजिए, ब्रेकिंग न्यूज टाइप ऐसा कुछ भी लगाता नहीं हूँ मैं, जो सच्चाई होती है उसी को मैं आपको बताना चाहता हूँ और यही हमारा कर्तव्य है, हमारे चैनल के नाते में हमें आपको, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, शुरुआत से सपोर्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करता हूं यदि आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप क्लास 10th में, क्लास 11th में, क्लास 12th में और आपको पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, SST बहुत कॉन्सेप्ट से पढ़ना है तो प्लीज़ हमें ज्वाइन कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए दोस्तों, क्योंकि हम लगातार आप तक हर वो सच्चाई लेकर आ रहे हैं जो आपको जाननी चाहिए, कोई काट छाट नहीं करते हम किसी भी टॉपिक में, किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी न्यूज़ में, जो न्यूज़ होती है 100% उसी आधार पर हम सच्चाई के साथ, ठीक है, आपको ऑथेंटिक न्यूज़ प्रदान करते थे। तो ये हमारा कर्तव्य है और हम हमेशा इसे बरकरार रखेंगे अपने 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 यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों क्योंकि ये चैनल आप सभी के चैनल, आप सभी ने इस चैनल को बनाया है तो ये आपका ही है और आपके अनुसार ही हम इसे चलाएंगे, तो प्लीज़ हमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद और
अभी आप सभी का रिजल्ट आने वाला है, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक और अच्छा ही रिजल्ट आएगा दोस्तों आपको। मैं इतना श्योर हूँ कि हर बच्चे ने अच्छा क्वेश्चन किया है, अच्छा पेपर सॉल्व किया है, तो 100% आपके नंबर अच्छे आएंगे। किसी प्रकार के पैनिक में ना करें और ना ही कोई नेगेटिव थॉट अपने मन में रखें। बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, और बी पॉजिटिव होने के साथ आप अच्छे नंबर से पास होंगे। यही मेरी शुभकामना आप सभी के साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।